पिछले ही वर्ष के 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री संघ के पूजनीय सरसंघचालक थे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी मंडल और ट्रस्टीज एंड सेंट सीयर सेजर्स ऑफ वेरियस सेक्ट्स ऑफ दिस कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना maintaining all the necessary rules and regulations and restrictions which were prescribed by the administration that sacred ritual was performed. Crores and crores of people not only in this country all over the world have witnessed that through electronic media and many could participate within the restrictions. वह एक नए भारत के निर्माण के स्वर्णिम पृष्ठ का एक अध्याय का प्रारंभ किया है. उसके बाद तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इस मंदिर के निर्माण के लिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए धन संग्रह कर धन इकट्ठा करना था. तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो अपनी बैठक में उनके मीटिंग में उन्होंने इस विषय को कहा तो अनुरोध हुआ हम अपने सहयोग हम दे सकते हैं, अपनी भूमिका हम भी निभा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आंदोलन में 1980 से लेकर अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धर्माचार्यों के विशेष दिवस जो आंदोलन था उसमें पूर्ण सहयोग से हम भाग लिए. इसलिए इसको मंदिर तक पहुंचाने का कार्य इसमें भी हम सहयोग करने के लिए तैयार है ऐसे हमने भी कहा. उस प्रकार तीर्थ क्षेत्र न्यास ने पूरे देश में एक धन संग्रह के लिए अभियान किया. उनके साथ बैठकर जो कमिटी बनी उसने उन्होंने विचार करके मकर संक्रांति जनवरी 15 से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक 44 डेज के एक अभियान चला. इस अभियान में पूरे देश में संघ के स्वयंसेवक और समाज के मैं ये कहूंगा समाज के लोगों के उत्साह और सहयोग इट वॉज हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड हिस्ट्री इन सो फार एज एन आउटरीच प्रोग्राम फॉर ए कॉज ऑफ दिस काइंड. एक मंदिर का निर्माण था, उस मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने जिस प्रकार सहयोग दिया नियरली 12 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कॉन्टेक्टेड. 5.5 लाख विलेजेस एंड टाउन्स एंड सिटीज, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 5.5 लाख. सो दिस इज इटसेल्फ द हिस्ट्री, इज द रिकॉर्ड, बट इट ऑल वेंट ऑन वेरी स्मूथली. संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में घर घर में गए, किसी कारण से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता किसी मोहल्ले में किसी कारण से नहीं भी गए नहीं सके बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, वहां के लोगों ने संपर्क करके बुलाया और हमने विचार भी किया है इस सहयोग की जो मिला है समाज का वह भावना श्री राम के साथ भारत के भूमि पर रहने वाले लोग किस प्रकार जुड़े हैं यह अपने आप स्वयं सिद्ध हो गया. फिर से एक बार पुनः एक बार इसलिए राम मंदिर निर्माण के साथ लोग जुड़े हैं दूर दूर से, जीवन में कभी अयोध्या में गए नहीं और जाएंगे भी नहीं ऐसे लोगों ने, और एक एक कर जो संस्मरण है घटनाएं हैं उसके बारे में हमने यहां थोड़ा सुना है अपने बैठक में, अद्भुत है. हमने तो ये विचार किया है उसी के का पब्लिकेशन लाएंगे